चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक रैलियों पर लगाई पाबंदी। बाइक यात्रा, रोड शो और जुलूस पर भी रहेगी रोक। इंडोर मीटिंग में 300 से ज्यादा को इजाजत नहीं। गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे योगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से राठौर से होंगे उम्मीदवार। बीजेपी ने 107 उम्मीदवार किए तय। प्रेसर सिटिंग विधायकों पर बीजेपी ने लगाया दाव। 21 नए प्रत्याशियों को मौका। सीएम योगी के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा पार्टी ने योगी को पहले ही घर भेज दिया। यूपी में बढ़ा बीजेपी का कुनबा। रामवीर उपाध्याय ने ज्वाइन की भाजपा। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी ने दिया इस्तीफा। कैराना से एसपी प्रत्याशी नाहिद हसन अरेस्ट। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के रण में सपा रालोद गठबंधन की दूसरी लिस्ट जारी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का सपा अध्यक्ष पर बड़ा आरोप। कहा अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं दलित लीडरशिप। चंद्रशेखर के आरोपों पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा रामपुर मनिहरन और गाजियाबाद सीट देने को थे राजी। किसी से फोन पर बात करने के साथ लड़ने से किया इनकार। कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने पर चुनाव आयोग का एक्शन। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर प्रशासन ने चस्पा किया नोटिस। मायावती के जन्मदिन के मौके पर बीएसपी ने शुरू किया डिजिटल कैंपेन। चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को दी जन्मदिन की बधाई। कहा सबसे पहले मायावती के साथ गठबंधन की कोशिश। यूपी में भीम आर्मी और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा। चंद्रशेखर और ओवैसी के बीच बातचीत। भीम आर्मी और एआईएमआईएम के बीच रविवार को हो सकता है गठबंधन का ऐलान।